नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में कहा है कि परहित सरिस से धर्म नहीं होता है, पर पीड़ा सम नहीं होता है। यानी परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परोपकार सबसे महान धर्म है और पर पीड़ा पहुंचाना तो महापाप। मतलब ऐसे ही विचार आचार्य चाणक्य ने भी व्यक्त किए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई सज्जन व्यक्ति परोपकार में लगा रहता है तो उनकी सारी आपत्तियां दूर होती है और उन्हें पग पग पर यश और कीर्ति और संपत्ति। लगभग यही कहावत चरितार्थ करते हैं हमारे आज के मेहमान श्री नंद किशोर चौधरी। नमस्कार चौधरी साहब, नमस्कार स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नंद किशोर चौधरी साहब मूलतः चूरू जिले के रहने वाले हैं। अपने उद्यमशीलता के बल पर एक उद्योग समूह आपने बनाया, उसको स्थापित किया और स्थापित करने के बाद उसको बड़ी ऊंचाई पर लाया और जैसे जैसे खुद आगे बढ़ते गए, लेकिन अकेले के बल पर अपने समाज को साथ लेकर के बहुत सारे वंचित समाज को, जिस समाज की तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, उन सब समाज के लोगों को, खासकर जो महिलाओं को जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर ही स्वावलंबी बनाते हुए अपने साथ आगे। चौधरी साहब, ये महत्वपूर्ण बात है कि आपने कैसे उद्योग की स्थापना की, जयपुर रग्स फाउंडेशन। हाँ जी, ये पूरी दुनिया में आज जाना पहचाना नाम है। आपके यहाँ से जिन महिलाएं और जो महिला निर्माण से कारीगर हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी मिली है, यानी पुरस्कार भी मिले हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि क्या है आपका ये। देखिए, हम लोग कारपेट कारपेट बनाते हैं और कारपेट का जो रॉ मटेरियल है, जो धागा है, वो हम लोग सारा बीकानेर से आता है। धागा बीकानेर से आने के बाद में डाइंग होता है और उस डाइड यान को नक्शे के साथ हम लोग, हमारी जितनी भी जो व्यूबर महिलाएं हैं और वो सारी महिलाएं अपने डोर स्टेप पे अपने घरों पे काम करती है, तो सारा धागा हम उनके घर पे पहुंचा देते हैं और वो घर में बैठ के ये कारपेट बनाती है। सुबह शाम वो अपने घर का काम करती है, बच्चों का लालन पोषण करती है और दिन में 6 से 8 घंटे निकाल के वो कारपेट कारपेट बनाती है। कारपेट बनाती है। कारपेट बनाने का काम, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान का कारपेट उद्योग पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है हाँ और जी, खास तौर पर जयपुर जिले, दौसा जिले, महाराष्ट्र जिले। आप चूरू के रहने वाले, मैं थोड़ी प्रारंभिक यात्रा की तरफ आना चाहूँगा। हाँ जी। आपका जन्म, आपके माता पिता, परिवार किस तरफ का? देखिए, मेरा जन्म चूरू में हुआ और मैंने चूरू में लोहिया खोलने से बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद में मैंने अपने करियर की शुरुआत एक दुकान से की जो चूरू में मेरे पिताजी चलाते थे, वो ब्रांडेड शूज की दुकान थी। और जब मैंने अपने करियर की शुरुआत दुकान से की, उसके बाद मुझे एक सरकारी बैंक में जयपुर में कैशियर की नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन मैंने उस नौकरी को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जिस करने में मुझे आनंद आए, जो मेरा पैशन था। और दुकान पर भी मेरा मन नहीं लगा, मुझे लगा ये सेल्समैनशिप करना मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, चूरू में ज़्यादा आगे बढ़ने के स्कोप भी नहीं थे। तो फिर मैंने जानकारी, मैंने सोचा क्या मैं करूँ। तो उस वक्त हिंदुस्तान में कारपेट बनाने वाले बहुत कम थे युवक, तो कारपेट की मांग बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा इस धंधे से मैं शुरुआत करूँ तो मुझे गांव में जाने का मौका मिलेगा, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जिनको कोई कोई नहीं पूछता। इसी भावना के साथ आज से लगभग 30 साल पहले 1978 में आपने 2 लूम और 9 कारीगरों के साथ में एक शुरुआत की और वो आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। 40,000 से अधिक महिलाएं आपके साथ में सहयोग कर रही हैं और 40 से ज़्यादा देशों में आपने निर्यात कर रही है। ये यात्रा कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन 3 दशक की यात्रा, लंबी यात्रा भी है, लंबी लेकिन एक सस्टेनेबल यात्रा, जहाँ उसको आगे तक सस्टेन किया और निरंतर आगे बढ़ा के साथ। किस तरह से कारपेट उद्योग को आपने चुन करके उसमें क्या खासियत आपने बनाई जिससे आपकी विशिष्ट पहचान? देखिए, जब मैंने 2 लूम लगा के 9 वीवर के साथ काम शुरू किया तो मैंने देखा मेरा वीवर से इतना ज़्यादा लगाव था, प्रेम था कि मैं दोपहर का खाना भी उन्हीं वीवर के साथ खाता था, पूरा टाइम उनको देता था। तो जब मेरा पहला कारपेट बना तो मैंने कारपेट कैसे बनाया जाता है, वीविंग क्या होती है, उसके बारे में बड़ी समझ आई और वीवरों से प्रेम करने से मुझे वीवरों के बारे में बहुत ज़्यादा समझ आया। तो कारपेट की क्वालिटी कैसे बने, कारपेट को
ज्यादा क्षेत्र में कैसे पैसे फैलाए, लोगों को कार्पेट के लिए कैसे मोटिवेट करें, ये चीजें मैंने धीरे धीरे हमारे जो काम करने वाले लोग थे उन्हीं से सीखी। और करीब 9 साल तक मैंने जयपुर के एक एक्सपोर्टर से जॉब वर्क लेके कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर में, और फिर मैंने अपना खुद का एक्सपोर्ट शुरू किया जयपुर जयपुर आके। और 99 में मैंने फिर अलग से ये जयपुर कंपनी बनाई बिल्कुल जीरो से। और आज हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे जो डिजाइंस है, और जो एक वीवरों की जो पहचान है, वो इस लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मिली है। और दिन पर दिन इतनी तेजी से आगे आगे बढ़ते जा रही है कि हमें जो एक नया फ्यूचर, जो एक बिजनेस करने का एक जो बिल्कुल नया तरीका, एक इंसान की जिंदगी में एक बदलाव लाने का नया तरीका, उस दिशा में बहुत अच्छे कदम बढ़ाने का तरीका। बहुत अच्छे कदम बढ़ते जा रहे हैं, आपके कदम निरंतर और आगे बढ़ते रहेंगे। चौधरी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे सभी दर्शकों को भी पता लगे, ये छोटी सी शुरुआत दो लोगों के साथ, थोड़ा सा इस कारपेट इंडस्ट्री के बारे में हमारे बहुत सारे हमारे दर्शक जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहते हैं और इस उद्योग के साथ जोड़ना भी चाहते हैं, जो चाहे कारपेट लूम अपने घर में बनाना चाहे या कारपेट से संबंधित काम को और आगे बढ़ाना चाहे, तो मैं उनकी जानकारी के लिए आपसे चाहूँगा किस तरह से ये कार्यक्रम होती है, आपका लूम का जब स्थापित करता है लूम का खर्चा स्थापित करने में कितना आता है, और किस तरह से लीयर उस लूम के माध्यम से अपने आगे निकलता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने देश में जो महिलाएं गांव में रहती है तो सुबह शाम अपने घर का कामकाज करती है, लेकिन उसके बाद उनके पास काफ़ी समय खाली होता है। एक हमने देखा है कि एक महिला के पास एग्रीकल्चर 4 से 6 घंटे वो दिन में खाली खाली रहते हैं। और खाली समय में हमने देखा है कि हर महिला का एक पेशन होता है, वो ऐसा कुछ करना चाहती है जो हाथ से वो कर सके, अपनी कला को दिखा सके। क्योंकि कला, जब आदमी कोई हाथ से कुछ भी कला का काम करता है तो एक मेडिटेटिव स्टेज में चला चला जाता है। तो ये मैं बताता हूँ कि जो गाँव के अंदर, घरों के अंदर जो महिलाएं रहती हैं, जो बिना पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके लिए एक उनके पास कितनी बड़ी कैपेबिलिटी है। तो महिला पहले अपनी कैपेबिलिटी को समझे। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इस वो महिलाएं इस धंधे से जुड़ सकती है, कि कारपेट की वीविंग को सीखने के लिए करीब 6 से 12 महीने का समय लगता है। पहले 3 महीने में वो ट्रेनिंग देते हैं उनको, तो वो वीविंग की जो बेसिक चीज़ें वो समझ आती है। फिर आगे धीरे धीरे 12 महीने में वो एक उनकी स्पीड, कारपेट बनाने की स्पीड ऐसी बन जाती है कि एक महिला दिन में 300 से 400 रुपये खूब आराम से कमा सकती है। तो सबसे पहले जो महिलाएं हैं वो समझे कि हमारा एक जो पेशन है, ये कारपेट बनाना एक पेशन है, और उनकी कला को पूरे दुनिया में जो प्रदर्शित कर सकती है, एक विशाल संभावनाएं आप उनको प्रदान करते हैं। बिल्कुल, और वो जरूर है कि किसी न किसी शैली में उद्यमशीलता उनमें भी बनते जन्मे। और हमें देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज महामारी नीति है वो तो पूरी तरह से बरसात पर आती है। हाँ जी, बरसात नहीं हुई तो किसान के पास में खुद के पास काम नहीं होता, महिलाओं के साथ पुरुष भी शायद अगर उनका सहयोग करें तो और ज्यादा अच्छा काम कर सकते। और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के पास में अपने अब बच्चों को छोड़कर के किसी फैक्ट्री में जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, बिल्कुल, तो वो अपने घर में ही अगर उनको काम मिल जाए तो सबसे बड़ा। आपने जब आगे इस तरह से बढ़ते गए तो अब जैसे महिलाओं को अपने घर में ही काम दिया जाता है, तो उनके रो मटेरियल सप्लाई करना, उनका बना डिजाइन लेना और उनके बने हुए माल को वापस खरीद करना और साथ में उनको पैसे मिलते हैं, तो इस तरह की प्रक्रिया वो भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से। देखिए, हम जितने भी जो सबसे पहले हम उन महिलाओं के घर पर लूम लगाते हैं, और फिर जितना भी जो रॉ मटेरियल है वो एक बोरी में पैक होते हैं, हमारे खुद के व्हीकल से उन महिलाओं के घर पर हम लोग पहुँचाते हैं। उसके अलावा हर सप्ताह हमारा क्वालिटी सुपरवाइजर और ब्रांच होने एक लूम पे हर सप्ताह 2 बार जाके उसकी क्वालिटी को चेक करता है, महिलाओं से बातचीत करता है, उनको क्वालिटी के बारे में समझाता है, और वो महिलाएँ मोटिवेटेड रहते हैं उसके बारे में उनको अच्छे से समझाते हैं। फिर हर महीने 10 तारीख के पहले उन महिलाओं को
हमारे ब्रांच मैनेजर पार्टी सुपरवाइजर उनके घर पर जाके पेमेंट करते हैं। फिर जब कारपेट बन जाता है तो उस कारपेट को हम लोग लेके आते हैं और उसके जगह दूसरे कारपेट का रॉ मटेरियल उनको भेज देते हैं। इसके अलावा हम जयपुर फाउंडेशन के माध्यम से महिलाओं को मतलब उनका जो माइंड सेट है उस माइंड सेट को चेंज करना, उनकी लीडरशिप डेवलप करना, उनके मैनेजिंग स्किल्स बनाना, उन लोगों की कॉन्फिडेंस देना, ये सारे प्रोग्राम्स भी हम महिलाओं के घर पर जाके करते हैं। महिलाओं को अपने डेली के बाहर नहीं आना पड़ता, उनके अपने घर में ही सबको सुविधा करा। आपने फाउंडेशन की बात, जयपुर रग्स फाउंडेशन स्थापना आपने की, अब जयपुर रग्स फाउंडेशन बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, महिलाओं के स्वावलंबी बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण देना, उनको रोजगार प्रदान करना और इसके साथ साथ कई तरह की और सामाजिक कार्यों में भी उनके शिक्षा पर, उनके स्वास्थ्य पर और उनको रोजगार उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण काम कर रहा है। रग्स फाउंडेशन के बारे में मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि स्थापना का उद्देश्य और किस तरह से ये काम अभी संपन्न होता है। देखिए, जब मैंने 99 में इस कंपनी की शुरुआत की तो तब मेरा बिजनेस बहुत छोटा था और करीब 4-5 आदमी के साथ में काम करता था। उसके बाद जो 3 बेटियां मेरी अमेरिका में पढ़ रही थी वो अमेरिका से पढ़ लिख के उन्होंने मेरे साथ बिजनेस को ज्वाइन किया। फिर मेरा बेटा वो बिजनेस में आया तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए, इतने अच्छे डिजाइने डेवलप की, मार्केटिंग अच्छे से की, तो ये बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ गया। तो जैसे जैसे मांग आती चली गई तो उतने ही मुझे व्यूवर्स की जरूरत पड़ी, तो मैंने राजस्थान के अलावा गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, वहाँ भी इस धंधे को फैलाना शुरू किया। तो एक दिन मैं एक मैनेजमेंट की किताब पढ़ रहा था तो किताब में लिखा था कि बिजनेस प्रॉब्लम इज द पीपल्स प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा मैं तो रोजाना और लोगों को बढ़ाते जा रहा हूँ तो एक दिन मेरे को भी कुछ बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो मैंने सोचा वो प्रॉब्लम आए उससे पहले मैं ऐसा कोई उपाय करूँ कि वो प्रॉब्लम ही नहीं आए। तो मैंने सोचा कि जो जयपुर कंपनी है ये तो एक बीवर को रॉ मटेरियल देना, टाइम पे पेमेंट देना वहीं तक सीमित रह पाएगी क्योंकि जयपुर कंपनी में रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत जरूरी है। तो कैसे मैं इन लोगों की लाइफ को टच करूँ, हमारे जो बीवर है अगर उनकी लाइफ को टच कर सकता हूँ मैं और उनको एक परिवार की तरह में सुख सुविधाएं दूँ जो मैं अपने बेटे बेटियों में देता हूँ तो शायद मुझे तो जो समस्या आने वाली है वो नहीं आई। तो फिर हमने 2004 में जयपुर फाउंडेशन बनाया और जयपुर फाउंडेशन का जो सबसे पहला जो मुख्य काम था कि ऐसी एरियाज में जाके स्किल देना जहाँ पर कारपेट की स्किल नहीं है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनको कारपेट बीने की स्किल देना। फिर आलू जो इतने सारे जो बुनकर महिलाएं जो कारपेट का काम कर रही है तो उस वक्त क्या है कि पिछले 10-15 साल में कलर डिजाइन में बहुत फर्क आया, जिस तरह के कलर बनाती थी, डिजाइन बनाती थी, वो पूरा पैटर्न चेंज हो गया। तो हमने उनकी स्किल अपग्रेड के साथ उनका माइंडसेट चेंज किया। अब मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि 8-10 साल पहले से और अब में रंग डिजाइन और सब की मांग में परिवर्तन। हाँ जी, जयपुर का कारपेट इंडस्ट्री इसकी अपनी विशिष्ट अपनी भूमिका है। हम देखते हैं कि पहले कभी अफगानिस्तान से कारपेट आया करते थे, कभी और देशों से, ईरान से, ये बड़े मशहूर जगह थी पारस से, यहाँ पर मुगल काल में और उसके बाद अंग्रेजी शासन काल के दौरान भी कारपेट्स वहाँ से आए करते थे, लेकिन जयपुर कारपेट इंडस्ट्री ने अब पूरे दुनिया में अपनी पहचान बनाई और वो सारे कारपेट्स अब लगभग पूरी दुनिया में जयपुर से और राजस्थान से निर्यात होते हैं। तो कलर डिज़ाइन और ये सब परंपरागत कारपेट उद्योग और वर्तमान कारपेट किस तरह का परिवर्तन आप इसमें महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं हमारे सारे दर्शकों को एक बड़ी अच्छी न्यूज़ बताना चाहूँगा कि आज जो जयपुर की कारपेट इंडस्ट्री है पूरे दुनिया के बहुत सारे देशों में, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, जहाँ भी दुनिया में जो कारपेट बनते हैं उनमें डिजाइन्स में, कलर्स में आज जयपुर पूरे दुनिया में सबसे आगे। जयपुर का कारपेट पूरे वर्ल्ड में इतना इतना ज़्यादा मशहूर है। अब रही बात ये कि जब से मैंने शुरू किया और आज तक इस कारपेट इंडस्ट्री में क्या परिवर्तन आया है। देखिए, जब मैंने शुरू किया तब
जो कारपेट जर्मनी में ज़्यादा जाते थे, और वहाँ पर जो कलर्स होते थे वो डार्क कलर कलर होते थे, और डिज़ाइन बड़े ट्रेडिशनल डिज़ाइन थे। जो जब ये कारपेट इंडस्ट्री बनी तो पुराने समय में ईरान में जो डिज़ाइन बनते थे वो उसी तरह के ईरान में डिज़ाइन हिंदुस्तान के कारपेट में बनते थे। लेकिन पिछले 10-15 साल से बहुत बड़ा चेंज आया, जो डार्क कलर थे वो सारे लाइट लाइट कलर में बदलने लग गए। जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन थी वो ट्रांजिशनल की तरफ गई, फिर ट्रांजिशनल से कंटेम्प्रेरी की तरफ तरफ गई। तो कारपेट इंडस्ट्री के डिज़ाइन में पैटर्न में एक बहुत बड़ा फर्क आया। तो जो पुराने जो वीवर थे जो मतलब एक ही एक तरह का डिज़ाइन बनाते थे, 5-5, 7-7 साल तक एक ही तरह का डिज़ाइन बनाते थे, और अब ये पिछले 10-15 साल से कारपेट इंडस्ट्री में फैशन इंडस्ट्री बढ़ गई। तो उसमें रोज़ाना नए कलर आने लगे, नए डिज़ाइन आने लगे, और ऐसे भी डिज़ाइन आए जो बनाने में इतने डिफिकल्ट थे कि वो जब देख के बोलता था मैं तो इसको काम छोड़ दूंगा लेकिन बनाऊंगा। तो फिर उन लोगों का अंदर वो माइंड सेट चेंज चेंज थी, और उससे उनकी इनकम में भी बहुत बड़ा मतलब सुधार। नया सुधार हुआ, नई डिजाइन, नया रंग का कॉम्बिनेशन, ये सब कुछ मिलकर के नया आकर्षण उत्पन्न। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, और नया आकर्षण पूरी मानव प्रकृति है कि वो हर चीज नयापन चाहता है। तो परंपरागत डिजाइन थी वो भी बदलती गई और नए डिजाइन में आ गए। और कारपेट्स की अगर हम बात करें तो कारपेट्स के साथ साथ जैसे आपने जैकेट पहनी है, बहुत सुंदर जैकेट है। थैंक यू। मुझे लगता है कि ये डिजाइन भी संभवतः आपके यहीं से बनी, इस तरह की हाँ जी हाँ मशीन जी बिल्कुल बनी। बिल्कुल बिल्कुल। कारपेट्स के अलावा और किस किस तरह का आपके यहाँ काम? देखिए मेनली क्या है कि अभी तो हम लोग केवल कारपेट का ही कर रहे हैं, लेकिन कारपेट में बहुत सारी क्वालिटीज हैं। जैसे हम मैंने कारपेट धंधे की शुरुआत मतलब हैंड नोटेड कारपेट से की, हाथ से जो गांठ लगा के कारपेट रखते हैं, तो उसमें हायर क्वालिटी है, लोअर क्वालिटी है, मिडिल क्वालिटी है। उसके अलावा फिर हमने इस बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया, तो फिर हमने टफ्टेड कारपेट की शुरुआत की, टफ्टेड कारपेट के बाद में दरी फ्लेट व्हील इसकी शुरुआत की। इसमें 7-8 साल से हैंडलूम कारपेट भी बनने लगी है, जो आज पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं। और दूसरा हमने जो जो सबसे बड़ा जो हमने चेंज चेंज लाए, क्योंकि हमने देखा कि आज तक हमारे जो व्यूवर हैं उनके हाथों को काम काम किया, लेकिन जैसे जैसे हमें समझ आई कि हमारी जो व्यूवर महिलाएं हैं, एक बार मैं एग्जाम्पल आपको आपको बताऊं कि मेरी दोनों बेटियां अमेरिका से आई थी और एक बेटी यहाँ जो रहती है, तो वो तीनों बेटियों के लिए गांव में लेके गया जहाँ पर 70 के करीब महिलाएं थी जो काम करती थी। तो पहली बार वो महिलाएं तीनों बेटियों से एक साथ मिली, तो 2 घंटे तक उनकी बातचीत चली, और उन्होंने व्यूवर महिलाओं ने इतने सवाल पूछे कि मैं सोच नहीं सकता था। तो मुझे लगा कि जैसे तीनों बेटियां आज पूरी दुनिया में घूमती है, दुनिया में इंडस्ट्री को नाम नाम दिया, ऐसे सारी महिलाओं के अंदर इतनी सारी तमन्नाएं काम काम करने की, अगर इनको एक मौका मौका दिया जाए, इनको अगर आगे बढ़ाया जाए, एक एक्सपोजर दिया जाए, तो वो सेम काम कर सकते हैं जो मेरी तीनों बेटियों ने किया। तो फिर हमने एक इनिशिएटिव डिजाइन की कि अभी तक हमने इन महिलाओं के हाथों को काम दिया, जबकि अगर उनके अंदर जो हार्ट है, सोल है, वो भी अगर बनाने के अंदर आए तो ये महिलाएं जादू जादू कर सकती है। तो हमने एक ऐसी इनिशिएटिव डिज़ाइन की कि अभी तक हमने हमारे खुद के डिज़ाइन इन महिलाओं को दिए, तो क्यों नहीं इन्हीं महिलाओं को बोले कि आप अपने खुद के डिज़ाइन बनाइए, आपके अंदर जो डिज़ाइन चलता है वो कारपेट पे लाइए। तो हमने उन महिलाओं को करीब 20-25 महिलाओं को चुना, उनको फ्रीडम दी कि आप अपने डिज़ाइन के कारपेट बनाइए। तो उन्होंने कलर भी खुद चुने, डिज़ाइन खुद चुनी, और वो कारपेट मैं आपको बताऊं, जब दूसरे साल एक कारपेट को जर्मन डिज़ाइन अवार्ड मिला, जो हम तो सोच नहीं सकते थे कि जो फैशन यूरोप से इंडिया आता था और अब गांव के लोगों का फैशन वो बनाया, अब वो यूरोप यूरोप में जा रहा था। और उससे खुशी की बात एक मैं और बताना चाहूँगा कि हमारे आसपुरा गांव की एक महिला जिसका नाम है बिमला देवी, वो पहला डिज़ाइन अवार्ड मिला हमें 1 साल पहले, और ये साल उस महिला के बनाए हुए डिज़ाइन को गोल्ड कैटेगरी में जर्मन डिज़ाइन अवार्ड मिला। वो महिला उस अवार्ड को लेने के लिए जर्मनी गई,
आज तक के इतिहास में पहली बार कोई महिला विदेश जाके जर्मनी मतलब विदेश जाके उसने विदेश को देखा और वहां से अवार्ड नहीं किया और पहली बार हवाई जहाज को देखा ही नहीं बल्कि हवाई जहाज में बैठ के वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि एक ग्रामीण महिला जो तो शायद बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं है लेकिन उसको एक तरह से आपने अवसर प्रदान किया अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपना हुनर दिखाने का, उसने अपनी प्रतिभा दिखाई, अच्छी व्यूअर थी, अच्छा व्यूइंग करती थी, लेकिन साथ में जो डिज़ाइन आप देखते थे पहले वो बनाते थे लेकिन आपने उसको एक कैनवास दिया कि खुद अपनी डिज़ाइन डेवलप करें और उस ग्रामीण महिला ने इतना अच्छा डिज़ाइन डेवलप किया कि उसको जर्मनी में गोल्ड कैटेगरी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, पुरस्कार लेने के लिए जाने जाते हैं बिल्कुल। और निश्चित रूप से ऐसी बातें और दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित करती है कि वो भी इसी तरह से जीवन में और आगे। यहाँ एक बात और रहती है कि तो शिक्षा का अपना एक विशेष महत्व है, हाँ जी शिक्षित होना बहुत महत्वपूर्ण है, बिना शिक्षा के जीवन अंधकार पूर्ण माना जाता है, लेकिन वो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जो कहीं शिक्षा से बहुत नजदीक नहीं रह पाई वंचित रही, लेकिन उन वंचित महिलाओं को भी अगर अवसर प्रदान किया जाए तो शायद वो अपनी प्रतिभा दिखा सकते और वो अवसर आपने प्रदान किया। हाँ देखिए मतलब ये बहुत अच्छी बात आपने मतलब बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ये जो महिलाएं जो कभी स्कूल स्कूल नहीं गई, किसी साइड में नहीं गई, ट्रेन में नहीं बैठी, बस किसी मतलब एरोप्लेन में नहीं बैठी, बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, तो हमने देखा है कि ये महिलाओं के अंदर जो एक मैनेजरियल स्किल्स है, तो मैनेजरियल स्किल्स में आपको बताना चाहूँगा एक महिला जो 20-25 हज़ार रुपये महीने में उसके परिवार में 5 बच्चे पति सास ससुर है उसका जो लालन पालन करती है, और जब मैं गाँव में जाता हूँ तो वो मेरे से ज़्यादा स्वस्थ है और मेरे से ज़्यादा खुश है, तो मैं इतने पैसे कमा के इतना खर्चा करके मैं इतना खुश नहीं हूँ, इतना स्वस्थ नहीं जो महिला है, तो इसका मतलब वो महिला ऐसा कुछ जानती है जो हम शहर वाले लोग नहीं जानते, ये महिलाओं की मैनेजमेंट स्किल्स के लिए ताकत 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 बता रहे हैं, उन लोगों के पास जो विजडम है उनका जो काम करने का तरीका है उस तरीके से आज मेरे जैसे लोगों को उनसे सीखने की सीख मिली और उनके पास जो एक क्रिएटिविटी है जिसका ये मतलब नहीं है कि कोई महिला स्कूल नहीं गई या उसको एक्सपोजर नहीं मिला तो उसके अंदर कोई योग्यता की या टैलेंट की कमी, और अभी हम एक प्रयोग कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि ये महिलाओं की जो शक्ति है ये एक महान शक्ति है, ये पूरे बिजनेस को सोसाइटी को पूरे देश को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, इस शक्ति को अगर जगा दिया जाए उन महिलाओं को कॉन्फिडेंस दे दिया जाए और उस शक्ति को कस्टमर को कैसे सर्व कर सकते हैं, कस्टमर को अच्छा माल कैसे दे सकते हैं, उसमें अगर चैनलाइज कर दिया जाए तो ये महिला आज किसी भी पढ़े लिखे किसी भी बड़े सीईओ से ये महिला कम कम देंगे। आपने और इसका प्रत्यक्ष रूप से आपने इसको अजमाया है और सफलतापूर्वक बनाता है कि वही महिलाएं बनाती हैं और संभवतः वो चैन चलती होगी जहाँ उनको सप्लाई करनी है रॉ मटेरियल की और वहाँ से लेकर के आपूर्ति तक और उनके पैसे वितरण, उनमें कहीं ना कहीं उनका भी योगदान और उनमें भी नेतृत्व क्षमता और बिल्कुल एक बात महत्वपूर्ण उन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनका कहीं थोड़ा बहुत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना जरूरी है, तो ये उनको ट्रेनिंग उनको लीडरशिप बनने की तरफ है या उनको और ज़्यादा आगे प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम आपका जयपुर रग्स फाउंडेशन संचालित करता है, मैं जानना चाहूँगा कि वो प्रशिक्षण कार्यक्रम किस तरह का होता है और किस प्रकार से महिलाएँ उस प्रशिक्षण के बाद अपने आप को स्वावलंबन। देखिए जब हमने फाउंडेशन बनाया तो हमने केवल महिलाओं को कार्पेट वीविंग की स्किल देने की कोशिश की और उन्होंने बड़ा अच्छा काम करके दिखाया, फिर हमने देखा कि अगर ये कार्पेट ही बनाती रही महिलाएं तो एक लिमिट के बाद में फिर ये बढ़ नहीं पाई और वो अपने आप को एक बोरियत भी महसूस करे कि रोजाना एक काम कर रही है, फिर हमने सोचा कि कैसे इन महिलाओं को इनकी लीडरशिप इनकी नेतृत्व शक्ति इनकी मैनेजमेंट स्किल्स और बिजनेस चलाने की एक जो समझ है उस समझ को हम लोग बढ़ाए, तो फिर हमने उनको माइंड सेट की जब ट्रेनिंग दी, लीडरशिप की जब ट्रेनिंग दी, तो अभी हमें क्या है कि हमारा जो जो कारपेट का काम हिंदुस्तान के 5 स्टेट्स में चलता है तो हमने उसमें से कुछ ऐसी महिलाओं को चुना, हमने 3 साल पहले एक प्रोग्राम शुरू किया उसका नाम रखा हमने बुनकर सखी प्रोग्राम,
हमने करीब 2500 महिलाओं को दाम से हमारी जयपुर रुग्स में बुलाया, वहाँ पर कारपेट कैसे बनता है, कैसे उनकी कटाई होती है, कैसे फिनिशिंग होती है, सब दिखाया। और ये भी दिखाया कि आपके थोड़ी सी लापरवाही से इस कारपेट में जो गलती आती है उससे बिजनेस को कितना नुकसान होता है, कस्टमर कितना नाराज होता है। तो पहली बार हमें पता चला कि महिलाओं को पता भी नहीं था कि हम लापरवाही करती हैं और इतनी गलतियाँ भी हम कारपेट में करती हैं। तो उन्होंने बोला कि अब हम जाने के बाद में कभी गलतियाँ नहीं करेंगे। और उसके बाद में हमारे जो डिफेक्ट थे उसमें इतना बड़ा परिवर्तन आया कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते। फिर उन महिलाओं के बने हुए कारपेट बनने दिखाया कि देखिए धुलाई के बाद में आपका कारपेट कितना अच्छा अच्छा बनता है, उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा। तो फिर हमने 2500 महिलाओं से ऐसे 20 महिलाओं को चुना और उनको बोला कि हम लोग आपके ब्रांच मैनेजर बनाएंगे, क्वालिटी सुपरवाइजर बनाएंगे, क्योंकि आज तक किसी उस पूरी इंडस्ट्री के इतिहास में कोई भी महिला ब्रांच मैनेजर और क्वालिटी सुपरवाइजर नहीं बने, और हम आपकी शक्ति को पहचानते हैं। तो उस 20 महिलाओं ने 2 साल में जो कमाल करके करके दिखाया, वो आज कमाल उनका मतलब विदेश तक पहुँच चुका है। फिर अभी हमने 4-5 महीने पहले हमने सोचा ये जो बुनकर सखियाँ है अब इनको इससे भी ऊपर करने देते हैं। तो हमारा जो बीकानेर एरिया है जहाँ पर हाथ की कटाई का काम होता है, वहाँ पर हमने ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए दिखा। बिहार में अभी हमने नई इनिशिएटिव शुरू की, वहाँ पर हमें और महिलाओं को मोटिवेट करना था, इंस्पायर करना था। तो हमने इन बुनकर सखियों को बोला कि हम आपको ना हम आप जिस गाँव में रहती हैं उसे दूसरे जगह हम आपको भेजते हैं। तो हमने 2 महिलाओं को बिहार भेजा है, 2 महिलाएँ बीकानेर के गाँव में गई, और वो जिस तरह से उन महिलाओं को इंस्पायर कर रही है, हम सोच नहीं सकते कि जो काम जयपुर फाउंडेशन के बारे जो कर्मचारी पहले करते थे, जो 12 महीने में काम करते थे, वो 1 महीने में इतने सारे देख रहे। बहुत अच्छी बात है कि उन महिलाओं को सशक्त किया, उनकी कौशल को प्रशिक्षित किया और उनका शानदार काम, जब वो खुद जाके अपना प्रत्यक्ष उदाहरण किसी को देंगे तो उसका फायदा मिलना स्वाभाविक है। वो खुद अपनी सक्सेस स्टोरी खुद बताएंगे कि किस तरह से वो खुद व्यूअर बने, किस तरह से उन्होंने अपनी आय अर्जित की, किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ी। तो उनसे देख करके, उनके विचारों को सुनकर के दूसरी महिलाएं स्वाभाविक रूप से और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती है। अच्छा प्रयोग, और ऐसा प्रयोग की जो खुद सार्थकता की तरफ बढ़ता है। एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो इससे अच्छा बेहतर उदाहरण महिला सशक्तिकरण। अभी मैं एक एक प्रयोग और आपको आपको बताना चाहूँगा कि हमने 4 साल पहले ये शुरू किया कि हमारे जितने जो कस्टमर थे, कस्टमर को बोला कि आप गांव में जाइए और जो महिलाएं जो ये कारपेट बनाती हैं उनके साथ आप समय समय गुजारिए, क्योंकि उन महिलाओं को बड़ी खुशी होगी कि हमारा कारपेट जो खरीदने वाला हमारे घर पे आया। तो हमने देखा कि उससे हमारे कस्टमर इतने ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने अपने कस्टमर को वहाँ पर विदेशों में बताना शुरू किया कि महिलाएं किस तरह कारपेट बनाती है। दोनों के अंदर एक इमोशनल बॉन्डेज बॉन्डेज है। तो फिर क्या कि सारे जो बायर्स हैं वो सारे विदेश के हैं, तो हमने कुछ महिलाओं को अंग्रेजी सिखाई, उनको 15-20 बार की अंग्रेजी में बताए। तो वो जब कस्टमर आते थे तो उन्होंने इंग्लिश में बातचीत करने की शुरुआत की, और आज उन महिलाओं को इतना कॉन्फिडेंस है कि विदेशी लोग आते हैं, इतने सारे दुनिया के बड़े बड़े लोग आते हैं, उनसे वो खुद हाथ मिलाती है, गुड मॉर्निंग करती है, उनसे बातचीत करती है, इंग्लिश में सवाल सवाल पूछती है। फिर हमें समझ में आया कि अभी इन महिलाओं को यहीं तक क्यों सीमित रखें, कैसे इनकी जो शक्ति है महिलाओं की इसको और ज़्यादा आगे लेते जाए। तो अभी हमने करीब 1 महीने पहले प्रोग्राम बनाया कि इन महिलाओं को और ज़्यादा अंग्रेजी सिखाएंगे, इन महिलाओं को पब्लिक स्पीकिंग सिखाएं और इनको कम्युनिकेशन स्किल सिखाएं, जिससे हमारे जो शोरूम है जयपुर में जो शोरूम या हम जहाँ भी एग्जीबिशन लगाते हैं हिंदुस्तान में दुनिया में, वहाँ ये महिलाएं खुद जाए और अपने बने हुए माल को खुद कस्टमर को बेचें, क्योंकि वो जिस पेशेंट के साथ उस कस्टमर को बताएगी उतना हमारी जो पुराने सेल्समैन है वो उस पेशेंट के साथ कभी नहीं बता पाए। उससे एक भावनात्मक लगाव है, अध्यक्ष जुड़ाव है, बिल्कुल बिल्कुल वो पैशन के साथ में बताएगी तो उसका अलग परिणाम निकलेगा, अलग भावुकता के साथ में बताएंगे। बिल्कुल, ये बात महत्वपूर्ण है कि कम्युनिकेशन स्किल आपने उनको सिखाई। हाँ जी, और कम्युनिकेशन स्किल की अगर और चर्चा करें तो संभवतः उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना या बहुत उच्च शिक्षित होना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना एक व्यक्ति की खुद की स्किल अपनी डेवलप होगा। उसके बारे में मैं भी आपको एक ताज़ा एग्जाम्पल बताऊँगा कि अभी करीब 15-20 दिन पहले
दिल्ली में वर्ल्ड रोल प्लेटर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें एनएसबीसी का एक स्टॉल था जहाँ पर जो एनएसबीसी के जो पार्टनर्स हैं और जो स्किल लोगों को देते हैं, तो उसमें एक स्टॉल हमारा भी था। तो वहाँ मुझे उन्होंने बनाया था, तो वहाँ पर एक कार्यक्रम था जिसमें राज्य शर्मा आए थे और वो चीफ गेस्ट थे, मैं बिल्कुल उसमें मुख्य अतिथि था। तो जब मेरे को उन्होंने बोलने के लिए बोला कि चलो साहब आपको आपको कुछ बताइए आप जो कर रहे हैं, तो मैंने कहा हमारी तीन युवर महिला यहाँ पर आई है जो चरखा कात रही है और मूंग पर बुनाई कर रही है। तो मैंने बोला कि उसी एक महिला को बुलाते हैं और उस महिला को ही बोलते हैं कि तुम तुम्हारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तुम जो करती हो तुम एक बात बताओ, क्योंकि मेरी जो पहचान है ये महिला है। तो रजत शर्मा के सामने इतने बड़े बड़े लोग थे, तो उस महिला को स्टेज पर खड़ा किया और फिर उसने अपनी अपनी सारी कहानी कहानी बताई। तो आप ये देखो एक एक महिला वो स्पीकर बनी अपने जीवन के बारे में कितने बड़े प्लेटफॉर्म पर उसने उसने बताया। तो ये मैं आपको कहता हूँ ये महिला कुछ से कुछ भी कर सकती है, केवल अपने को विश्वास करने की जरूरत है कि वो उन पर विश्वास किया जाए, उनके आत्मविश्वास को जागृत किया जाए, अगले उनकी शक्ति की जानकारी उनको दी जाए और उसके साथ उनको आगे बढ़ाया जाए तो बहुत सार्थक परिणाम निकलते हैं। इसीलिए शायद आपको कारपेट जगत का गांधी कहते हैं, क्योंकि आपने गांधी जी की तरह सहकारिता के आधार पर इन सब महिलाओं को एक साथ जोड़ा और जोड़ करके उनको निरंतर आगे बढ़ा। महिलाओं की बात करें तो साथ में उनके परिवार में उनके बच्चों की उनके स्वास्थ्य की वो भी उतना ही महत्वपूर्ण। तो अगर बच्चों का ये सही है कि वो महिलाओं में बहुत शिक्षा ग्रहण नहीं थी, लेकिन आपने उनको एक सार्थक दिशा देकर के स्वावलंबी बना दिया, लेकिन ज़रूरत तो इस बात की भी रहती है कि उनकी अगली पीढ़ी साक्षर बने, शिक्षित बने और साथ में कौशल से परिपूर्ण। हाँ जी, ये मैं आपको बता दूँ। देखिए क्या है कि जब से पिछले 10-15 साल से जब गाँव के अंदर एजुकेशन का ज़्यादा विकास हुआ, स्कूलें खुलने लगी, सरकारी स्कूलें प्राइवेट स्कूलें, तो सरकार ने भी कोशिश की कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो गांव में जो स्कूल नहीं जाए। तो मैंने देखा हमारे लीडर्स के भी सारे बच्चे स्कूल जाने लग गए। तो आप ये देखो ऐसे हजारों केसेज हैं कि महिला कारपेट वीविंग से पैसे कमा के मोस्टली आज जो हमारे लीडर के बच्चे वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, क्योंकि अच्छे स्कूलों में जाते हैं। हाँ मतलब अच्छे और क्योंकि वो महिला जो कमाती है उससे उसको सपोर्ट कर पाती है। अभी मैं एक आपको ताज़ा उदाहरण बताना चाहूँगा कि हमारे एक महिला थी, तो उनके पति मतलब उसने अपने पति को अपने पैसे से पढ़ाया और आज उनको एक बहुत बड़ी कंपनी में और दिल्ली में उनको नौकरी मिली। तो वो जो पैसा कमाती है वो एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है और आज उससे उनका परिवार एक शिक्षित होता जा रहा है और बड़े बड़े नौकरी के बड़े बड़े रोजगार के अवसर मिलते हैं। स्वाभाविक है कि जब अगर परिवार की आय बहुत सीमित थी तो शिक्षा पर खर्च करना भी सीमित था, लेकिन परिवार की आय बढ़ी तो शिक्षा पर होने वाला खर्च भी बढ़ा, बच्चों की शिक्षा भी बढ़ी। और आपने एक अनूठा उदाहरण दिया है कि एक महिला ने अपने पति को पढ़वा कर उसको आगे नौकरी के लिए प्रेरित किया और अपनी पत्नी के सहयोग से और पत्नी के एक तरह से सक्रिय मान्यता से उसने नौकरी भी अर्जित की। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करवाई जाती है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं वीवर्स के स्वास्थ्य के लिए खासतौर पर अलग से जागरूक रहने की शायद आवश्यकता रहती है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जयपुर रग्स फाउंडेशन किसी तरह का कोई सहयोग कर रहे हैं? आज देखिए हमने सबसे पहले मतलब हमारे गाँव में हेल्थ कैंप किया और हमने जिन भी गांव में हेल्थ कैंप किए उन गांव में आज तक मतलब कभी हेल्थ कैंप हुए नहीं। हमने जो जयपुर के या जहाँ पर जिन स्टेट्स में काम करते हैं उनमें जो सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ टाइप किया, वहाँ के बेस्ट डॉक्टर्स को लेके गए, तो उससे क्या है कि गांव के अंदर मतलब काफ़ी हेल्थ कैंप में 1,000 से 2,000 लोग और करीब आए उसके अंदर आए, तो उससे गांव के अंदर एक हेल्थ की जागरूकता आई। और उसके बाद में जो पेशेंट ऐसे थे जो शहर में आके इलाज नहीं करा सकते थे उन लोगों को हमने शहर में लेके आए, उनका ट्रीटमेंट करा के वापस उनको उनके उनके गांव में भेजा।
लेकिन अभी मैं ये महसूस करता हूँ कि गांव के अंदर और ज़्यादा मतलब एक शारीरिक रूप से स्वस्थ कैसे रहे आदमी, मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे रहे, उस शिक्षा की बहुत ज़्यादा जरूरत, उनको और बहुत ज़्यादा जागरूक जागरूक करने करने की जागरूक करने की जरूरत है। और एक जो काम आपने जागरूकता के बढ़ाने के लिए भी किया कि जयपुर की महिलाओं को आपने प्रशिक्षण के लिए बिहार तक भेज दिया, यहाँ के जयपुर की जो दुकानें भेजा या और जिले के किसी अन्य पर जिले में, ये भ्रमण ये भी शायद कहीं कहीं और ऊर्जा देता है, ऊष्मा देता है आगे बढ़ने की प्रेरणा। अजमेर के साथ में तो आपने भी अजमेर जिले में भी काम होता है आपका, तो विशिष्ट अनुभव अजमेर के साथ में लेकिन अजमेर के लिए बिल्कुल आज आपको एक ताज़ा उदाहरण बताऊंगा कि हम एक एरिया में कारपेट बनाते हैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट है और पूरा बदायूं डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम महिला है वहाँ पर उस कारपेट को बनाती है और ये वो महिलाएं हैं जिनको घरों से कभी बात नहीं दिया, अगर किसी पुरुष से बात भी नहीं कर सकते, इतना वहाँ पर ज़्यादा सख्त कंट्रोल है। तो उसमें से हमने 50 महिलाओं को अभी 3 दिन पहले स्पेशल बस करके हमने जयपुर बुलाया, 2 दिन से जयपुर में हमारे साथ कल उनको पूरा जयपुर बुलाया, जयपुर उसकी बसों से दिखाया, उनको शादी के बने में काट के दिखाया और आज सुबह ही हमने भी पूरी 50 महिलाएँ अजमेर दरगाह में दे जाए तो दोपहर में वहाँ जाकर उन्हें नवाज पढ़ेगी। अरे मैंने इतनी ज़्यादा खुश है कि पहली बार मैं अपने घरों से बात निकली है जयपुर आई है, अब वो अजमेर आज वो अजमेर चार, मुझे बड़ी खुशी है कि मतलब हमारी महिला है आपने जो अजमेर को बस है उसको देखने की जान दी। आप अपने ग्रामीण महिलाओं को जो कभी घरों से बाहर नहीं निकले उनको घूमने के लिए अजमेर भी घुमा, जयपुर भी घुमा और निश्चित रूप से घूमने के प्रति आपका भी मन है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके शौक और आपकी और प्रवृत्ति के तरह। लेकिन हम अपने बचपन को याद याद करते हैं तो बचपन में मतलब मैं चूरू का नहीं मिला तो चूरू में बड़े ऊंचे ऊंचे टीले टीले होते हैं बाल मिट्टी के, तो प्रकृति के साथ बड़ा लगा तो मैं सुबह शाम उन टीले के बाद के सबसे पूरे शहर से दूर जाकर उन चीज़ों को देखता था तो और बचपन से मुझे पढ़ने का शौक था सोचने का शौक था और शायद वही वही मेरा शौक था उसी ने आपको आगे बढ़ाया। आज इस डिग्री को पढ़ने का शौक आत्मचिंतन का शौक और साथ में घूमने का शौक और खासकर तो ग्रामीण बनने का शौक, इस शौक ने आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। मैं जानना चाहूँगा कुछ विशिष्ट पुरस्कार जो आपके लिए इनके बारे में बच्चे वैसे तो मेरे लिए करीब 60 से 70 पुरस्कार उसमें 2-4 दिल्ली के पुरस्कार एक करीब का अवार्ड मिला, तो मैं उसको जब मैं अवार्ड लेने के लिए गया था फाइनल में मेरा काम था तो फाइनल का मेरे को अवार्ड मिला, उसके बाद में जो मुख्य अवार्ड नहीं आया था तो मेरे को लगा अब मेरा कोई नंबर नहीं आने बहुत बड़ी थी और जब बहुत बड़ी डिग्री अनसिल थी तो फाइनल्स के बाद में अनसिल जल का एंटरटेनमेंट में जो बना तो पहला प्रधान इसके अलावा सी ए का वेन्यू और एक समाज में चेंज लाने की बहुत बड़ी हिंदुस्तान के सारे मोस्ट रिसेंट न्यूज के लिए आवाज एक आवाज टाइम शो की इंडिया में मिला, तो कुछ दिन में अमेरिका जाना था एरोप्लेन में देखा था तो मैंने उसमें जयपुर का नाम बात देखा उनका जयपुर का नाम कैसा इसलिए था कि जो टाइम शो इंडिया का नाम जयपुर से जाएगा वो इसलिए जाएगा कि जो काम जयपुर के लिए किया गाँव के अंदर वो सरकार को देना चाहिए तो इसलिए हम जयपुर के लिए बहुत अच्छी बात है कि तो सरकार को करना चाहिए लेकिन सरकार भी हमारी सरकार करें ना हम करें
अल्टीमेट उद्देश्य यह है कि ग्रामीण महिलाओं का ग्रामीण कम्युनिटी के नाम के नाम मात्र पहुँचा है और कितने दिन थोड़ी थोड़ी रोजगार भी आपको मिलते हैं। चौधरी साहब, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आपके इतने बड़े मकान को आप करना चाहिए, बड़ा ग्रामीण 40-80 नौ महिला श्रमिक आपके साथ कर रहे हैं, कई दूसरे में आपके मिला कर वो 10 कार्यक्रम आप कर रहे हैं, पर क्षेत्र में आपकी दिनचर्या किस तरह से आप अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए अपने जीवन दिनचर्या को व्यवस्थित करना दिन भर के दिन किस तरह से, लेकिन मोस्ट यूजफुल में सारी काम जो होता है सारी काम तैयार होते हैं, लेकिन 1 घंटा तक गार्डन में जाके वॉकिंग करता हूँ, गार्डन से आने के बाद फिर गर्मी में थोड़ा नेचुरोपैथी से करता हूँ, उस दिन के मिट्टी में नेचुरोपैथी के बीच में सारी चीज़ें वो सब करता हूँ, उसके बाद में 1:30 बजे फिर जाता हूँ, दोपहर में खाना खा के फिर मैं 1/2 घंटा 1 घंटा रेस्ट करता हूँ, और शाम को जब टाइम मिलता है मैं निकल जाती हूँ योगा में, योगा में और कुछ बीच में मैं सुबह या शाम जब भी समय मिलता है पढ़ने के लिए जरूरी में समय समय रोज और नेचुरोपैथी के साथ जुड़ा हुआ है, और साथ में पढ़ने के लिए भी मैंने कुछ समय निकाला है, तो पढ़ रहा वो भी जीवन में हर दृष्टि से प्रति जानने लगता है। इसके अलावा आपको और प्रवृत्तियाँ जैसे घूमने की कुछ और कोई खासतौर पर जैसे आपने बताया चूड़ी की टीलों पर आपने बहुत घूमने और बड़ा आनंद प्रकृति का मिला, ऐसे कोई डेस्टिनेशन आपके खासतौर पर या संगीत के साथ में आपका जीवन मिला है? लेकिन लेकिन मेरा जो सोच है जिससे मैं अमेरिका जाता हूँ, मोस्टली अमेरिका में जहाँ मेरी 2 बेटियाँ रहती हैं तो साल में 2 बार मेरे को मौका मिलता है जाने का, तो वहाँ मेरा जो सबसे मुख्य जो सोच है कि जो बिजनेस के लिए बहुत बड़े जाने वाले या जो दुनिया में जो आने वाला चेंज है उस चेंज को लाने वाले हैं, उस चेंज को पहले से देख रहे हैं, उन लोगों के साथ मेरा बड़ा अच्छा चाहिए, तो ऐसे दुनिया के पहुँचे आज भी चाहिए थे उनसे उनके साथ में जिनकी बातें सीखता हूँ उनसे बहुत मैं सीखता हूँ और उनका भी हमेशा आशीर्वाद रखता हूँ, उन लोगों का आशीर्वाद और साथ में सबसे बड़ा आशीर्वाद तो सब होता है उन ग्रामीण महिलाओं का जिनको आपने स्वावलंबी बनाया, जिनको आपने सशक्त किया और जो आज स्वावलंबी बन के अपने परिवार को सशक्त कर रहे हैं, अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, उनका बहुत बेहतरीन जानकारी आपका दी अब दिन शुभकामना देंगे कि आप इसी तरह को आगे बढ़ा करें, 40,000 श्रमिक है बढ़कर महीने की संख्या और बढ़े और महिलाओं को मौका मिले और उनको आगे बढ़ने के लिए और अच्छी जानकारी की बात करता है, और एक संगीतमय कार्यक्रम के साथ आज के लिए देखते हैं संगीत कार्यक्रम और आपसे मिलता है।